वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिबा। सो फ्रेंड कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो गाइज आज का मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है और आज ना मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। तो यहाँ पर हम खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए बता ही देती हूँ आपको। आज है मून का बर्थडे और ये व्लॉग ना थोड़ा सा लेट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों ने ना कुछ डेकोरेशन करी थी, अभी बलून वगैरह लगाने हैं, बस थोड़ा बहुत जो भी किया था ना बच्चों ने मतलब कर लिया था। देखिए बच्चों की खुशी के लिए तो देखिए सब कुछ करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिबा। सो फ्रेंड कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ और जैसे आप सभी को पता है कि मेरी फैमिली के साथ में बहुत कुछ बीता है और उसके बाद एक छोटा सा खुशी का मौका आया था, मून का बर्थडे है। बहुत सारी बेस्ट विशेज आपने दी है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, कम्युनिटी भी लगाई थी, तो बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों ने दी है। ज़्यादा तो हमने कुछ नहीं किया और बहुत कुछ हमने सोचा था मून के बर्थडे पे कि 5 साल का मून का बर्थडे होगा तो हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन क्योंकि अंदर से मन बिल्कुल भी वो नहीं है, खुशी नहीं है। लेकिन बच्चे को तो देखिए ये चीज़ें नहीं पता होती ना कि हेलो करो, हेलो, ये देखो इसको नींद आ रही है, इसको ना बस इसका केक कटवा दें। तो अभी केक कटिंग के लिए हम जाएंगे तो और बस मुझे ना सच बताऊँ इतने दिन बाद आज कैमरा उठा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं तो व्लॉगिंग करना ही भूल गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करूँ, क्या बोलूँ आप लोगों से। और चलिए दिखाती हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत जो भी सूट कर पाऊँगी मैं करूँगी। और सुबह हमने मतलब कुरान खानी कराई थी घर में और पूरे मतलब परिवार का खाना पीना हम लोगों ने मतलब बनाया था सभी ने। अभी खाना पीना सब खा चुके हैं, बस अभी केक कटिंग होगी और वो दिखाऊंगी। बस छोटा सा, बस उसकी खुशी के लिए छोटा सा केक वेक बस हमने रखा है और ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है मतलब ऐसा, क्योंकि जब अंदर से मन खुश नहीं होता ना, कुछ करने का दिल नहीं करता, क्योंकि इतना बड़े सदमे से अभी हम बाहर आए हैं। लेकिन इंसान कैसे बोलते हैं ना, वक्त बीत जाता है लेकिन इंसान को जीना पड़ता है, खाना पड़ता है, चलना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है वक्त के साथ साथ। हाँ अभी अभी दूंगी मैं, तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये मुझे परेशान कर रहा है, बात नहीं करने देगा, दिखाती हूँ आपको। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में कंटिन्यू अब ब्लॉग अपलोड करने की मैं, और रेगुलर आपको वीडियो दूँ, क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे, बहुत सारा आपका प्यार, आप लोग जो मुझे करते हो ना इसी तरीके से आप मुझे प्यार करते रहिएगा और ज़रूर कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग बनाने की। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ में। तो जी यहाँ पर अभी बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं और मून और मुजक्किर ना दोनों डांस कर रहे हैं, शमा चाची और गुलना चाची सामने बैठी हुई हैं और इन लोगों ने ना मतलब म्यूज़िक सिस्टम लगा लिया था। तो ये हमारे घर के सारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो बस इन्होंने ना एक प्यारा सा माहौल बना दिया था बच्चों ने। और देखिए बच्चों को नहीं पता होता कि किस तरीके का घर में माहौल है, क्या है, लेकिन बच्चे ना अपनी मस्तियों में खुश होते हैं और बच्चों की खुशी में ही बड़ों को खुश होना पड़ता है। तो बस मून ना बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसको तो ये था कि बस मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे पे सब इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, तो वो खुश हो गया था। और उसको सच्ची बताऊँ, उसको देख देख के ना मैं खुश हो रही थी। और पूरी ना ड्राइंग रूम इतनी ज़्यादा गंदी कर दी थी इन लोगों ने, मतलब सारे में ना बलून्स वगैरह सब फोड़ दिए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के ना बातें कर रहे थे, वो मुझे समझा रहे थे क्योंकि उनको ना कहीं मुझे मेरे फेस से देख करके ना ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में उदासी है और मैं उस तरीके से खुश नहीं हो पा रही थी जिस तरीके से मुझे होना चाहिए था आज के दिन, क्योंकि मेरे लिए आज बहुत खास दिन है। तो वो मुझे समझा रहे थे, तुम इतना मत सोचा करो, इतनी टेंशन मत लिया करो, जो हो गया है उसको हम नहीं बदल सकते और जो चला गया है उसको हम वापस नहीं ला सकते, जो हमारे दिल में याद बन के हमेशा के लिए वो रह गए हैं उनकी याद हमें हमेशा आएगी। बस वो मुझे यही सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर समझा रहे थे। यहाँ लाइट की कमी है बस, यहाँ कैंडल जला,
मनु यहाँ रख दो सारे गिफ्ट बेटे, यहाँ रख दे। तो जी यहाँ पर मून के केक कटने का टाइम हो गया था, और यहाँ पर सबसे पहले जो मून का केक कटवाया था वो कटवाया था मून की दादी ने, क्योंकि देखिए सबसे पहले ना हक उनका है मून पे, और उसके दादाजी आए नहीं थे अभी, तो दादी ने ही उसका केक कटवा दिया था। और जैसे ही मतलब केक कटिंग उसकी हुई और उसके दादाजी भी आ गए थे, फिर दोनों ने साथ मिलकर दोबारा से उसका केक कटवाया, और एक एक करके ना मतलब हम आप सभी को पता है बहुत टाइम से आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रही हूँ कि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग सब एक साथ में ही रहते हैं। तो उसके छोटे दादा दादी और बीच वाले दादा दादी, मतलब जितने भी हमारे तीन चार परिवार एक साथ में रहते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों ने मून का केक कटवाया था, और फिर उसके चाचू वगैरह, उसकी बुआ वगैरह, बच्चे जितने भी थे मतलब सब ने एक एक करके उसका केक कटवाया, और सबसे लास्ट में केक मैंने और मून के पापा ने कटवाया था। क्योंकि देखिए सबसे पहले ना हक जो है वो मून का उन लोगों का है, और हम बहुत बाद में आते हैं, तो और मून को ना मतलब प्यार भी सब बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इकलौता है घर में अभी, और पोते पोतियों में ना मतलब वही है अभी, और कोई है नहीं, तो इसलिए भी सबका लाडला है। और इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना मून इस टाइम पर, मतलब उसकी बुआ भी आई हुई थी, पर पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सारे बड़े पहले मून के साथ में केक कटवाएंगे और फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि देखिए इस तरीके से ना बड़ों का ना मान सम्मान बढ़ जाता है, और रिश्तों में ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इससे ना बस बड़ों को ये खुशी मिलती है कि छोटों की नज़रों में हमारी कितनी अहमियत है और कितना मान सम्मान है। तो इस तरीके से ना एक बहुत ही प्यारा सा माहौल बन गया था घर का, बहुत खुश थे सब। जाना पतली का मरिया, जाना पतली का मरिया। तो
भाई सब लोगों ने केक वेक खा लिया था और यहाँ पर अभी ये लोग मतलब मस्ती कर रहे थे। सारे बलून छोटा छोटा करके ना ये लोग गेम खेल रहे थे, इस पर ना बैठने का मतलब तोड़ तोड़ के ना उस पर बैठ के फोड़ने का उसका गेम खेल रहे थे और मून को ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। और ये देखो ये ना परेशान हो रहा है और ये ना रो रहा था कि मैं नहीं, आप लोग मत फोड़ो, मैं फोड़ूंगा। तो बस इन बच्चों का ना यही मतलब चल रहा था, ये लोग गेम खेल रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। और देखिए ये था बस मून के बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन। और देखिए खुशी छोटी हो या बड़ी हो ये मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आपके अपने कितने खुश हैं और आप उनको देख के कितने आपको खुशी मिल रही है। तो बस हमने अपनी इस छोटी सी खुशी को आपके साथ में शेयर किया है, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी जो खुशी है शामिल होके आपको कैसा लगा और आप लोगों ने इन्जॉय किया नहीं किया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनका तो बच्चों का ना ऐसे ही चलता रहेगा और मैं इनसे बार बार बोल रही थी हट जाओ भाई, यहाँ सफाई करनी है, बहुत बड़ा टास्क है अब यहाँ पूरे ड्राइंग रूम को क्लीन करने का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। लेकिन रात भी काफ़ी हो गई थी लेकिन ये लोग ना हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो चलिए गाइस इस वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी।